वेलकम अगेन और बन रही है देसी सब्जी विद शेफ राहीला। यस, और मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से करी पत्ते को, वैसे मेरे ख्याल पूरी बता दी थी ना जी, कि हम काफी वन मंथ के लिए बल्कि काफी टाइम तक हम इन तमाम चीजों को अगर आप चाहें तो खुश करके, लेकिन इनकी डंडियों से अलग कर दीजिएगा और गंद जो सड़न पत्ते होते हैं उनको भी अलग कर दीजिएगा तो इजीएस्ट बन सकता है। हाँ, हमने प्याज बिल्कुल लाइट सा ब्राउन किया है, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि हमें ज्यादा रेड नहीं करना। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, अब डालेंगे हम इसमें करी पत्ते। वाह वाह वाह, जब ये करी पत्ते बन गए खुशबू बड़ी प्यारी आती है, जबरदस्त। अब हम इसमें डालेंगे सफेद जीरा, इसमें डालेंगे सफेद जीरा एंड सूखा धनिया, सूखा धनिया साबुत, दोनों साबुत। कोई हमने क्रंच नहीं किया हुआ ना पिसा हुआ, कुछ भी नहीं, ना ही इसको हमने फ्राई किया, बिल्कुल भी नहीं। दैट्स गुड, यस यस, क्या प्यारी खुशबू और खूबसूरत मौसम। और मिक्स सब्जी घर में जरूर ट्राई करें विद रायता, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और आए तो आप जाने जी बिस्मिल्लाह, और क्या क्या चीज जल्दी डालेंगे, टमाटर, बस टमाटर डाल के हमने इसे जस्ट दो सेकंड के लिए इसे कवर कर देना है। हाँ हाँ बिल्कुल, लाए मुझे ले, मुझे इसका कवर जल्दी जल्दी ली फटाफट आ जाए रहमान, अगर मुझे आप प्लीज जल्दी से इसका बस दो मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर, डिश देखे कितनी जबरदस्त लग रही है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और फिर बस हमने फौरन इसमें मसाले डालने हैं, और बस इसके साथ ही हमने सब्जी डाली। और ये है ग्लैम गैस, स्पेशली थैंक्स फॉर ग्लैम गैस, ये किचन ने स्पेशली स्पॉन्सर किया है। और ग्लैम गैस का जो है वो तमाम होम अप्लाइंसेस दी बेस्ट है, और अभी वैसे भी सर्दियां आ रही हैं तो आप लोगों ने गीजर लगाना है तो कॉन्टेक्ट विथ ग्लैम गैस। और इनकी जो स्पेशली स्टोव जो है, मैं ये कहूँगी इसकी जो फ्लेम है उससे बर्तन काले नहीं होते, और इसकी फ्लेम जो ब्लू कलर की फ्लेम है वो इतनी हीटनेस होती है कि आपको यूज़ कम करना पड़ता है, वो वैसे ही जल्दी जल्दी गर्म कर देती है खाने को, ज़रा जल्दी कुक कर लेती है। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं अपनी डिशेज जल्दी जल्दी कोई क्लियर डाल दें ताकि हमारा प्रोग्राम है इनकी तरफ जा रहा है, टाइम कम रह गया है। गुड़िया शाबाश, ये बिल्कुल हमने टमाटर डाल दिए, दो मिनट हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यस, और वैसे उसके अंदर ही वो बिल्कुल जब सब्जी जाएगी ना तो बिल्कुल ये सब, और सब्जी में ये होता है कि उसके कलर्स को हम बिल्कुल रहने चाहिए, उसे ज्यादा मत पकाएं कि वो बिल्कुल ही हो जाए। अब हमने मसाले डाल देने हैं, ये मुझे दे दीजिए आप, ये मुझे दे दीजिए थोड़े से आप। यस, वन टेबल स्पून हम लोग डालेंगे। खैर आप इसको साइड कर दें ताकि आपका हाथ ना अटच हो, ठीक है। यस, लाइव शो में सब चलता है, रही ना आदत पड़ जाएगी आपको इंशाल्लाह। थोड़ा सा सब्जी क्योंकि सब्जियां, क्योंकि गाजर वगैरह मीठा होता है ना, यस, तो थोड़ा सा नमक इसमें हमने नमक के साथ डालेंगे, ब्लैक पेपर, क्योंकि सब्जियां थोड़ी सी स्पाइसी भी अच्छी लगती है। नहीं, काली मिर्च जलेंगे, पीसी मिर्च थोड़ी कम डाला करें और बस थोड़ी हल्दी थोड़ा सा जाएगा, इसलिए कि कलर इसका कलर खूबसूरत, और लाल मिर्च प्लीज थोड़ी बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। यस, और क्रश है, अच्छा क्रश रहने देना आप, मैं वैसे ही नुकसान दे जाएंगे, मुझे ठीक है नहीं डालते, जिनको डालना वो डाल लें, हम नहीं डाल रहे, बस हमने बहुत ज्यादा स्पाइस हो जाता है और फिर ना जरा प्रॉब्लम हो जाती है। बस इसे जल्दी जल्दी आपने भूनना है, हाथ नहीं छोड़ना, ताकि बस हरी मिर्च ऐड करनी अभी नहीं, वरना हरी मिर्च बिल्कुल, अच्छा जो जो चीजें रह गई हम इनको इधर कर लेते हैं, इसमें मटर मिक्स वेजिटेबल एंड धनिया और हरी मिर्च रह गए जी, बाकी काफी हद तक चीजें हमने ऐड कर ली। यस, और ये बहुत जल्दी बनती है सभी, बहुत झटपट सी रेसिपी है, और ओरिजिनल जो सब्जियों का कलर है उसको हमने खत्म नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि पता है वो हम बहुत से लोग जो है ना बिल्कुल हनी टाइम कम रह गया, जल्दी जल्दी ऐड करें जो भी है, इसका सेकंड स्टेप हम लोग जल्दी जल्दी, अब हम डालेंगे बिस्मिल्लाह करके, ये हो गई मिक्स सब्जी, डाल दी थोड़ी, डाल दें छोड़ दें, बस काफ़ी है, ओके बस और ओवर ना हो जाए। yes. और मटर डालेंगे हम, थोड़ी कम कर दी थी ना सब्जी, ज़्यादा अच्छा हो जाता बर्तन छोटा ना पड़ गया। yes. नहीं ये असल में पता है इसमें वो मुझे पता है सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये देखें डिश नज़र आ रही है ना, हमने बर्तन बदल लिया नाजरीन, आप देख रहे हैं हमने बर्तन बदल लिया है, इसलिए कि उसमें नज़र नहीं आ रहा था, आप लोग देख नहीं पाएंगे ना फिर,
मज़ा नहीं आएगा। और से भी जब मैं अपने घर पे भी माशाल्लाह से फूड बनाती हूँ तो आप यकीन मानिए इसी तरीके से पैकिंग करके मेरे फूड माशाल्लाह तो वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि फूड की जो खूबसूरती है ना उसकी पैकिंग से आती है। दिल करता है खाने का, खाने का दिल चाहता है। बस अब इसे हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी डालकर ठीक है दम पे रख देना है। यस ये बस बहुत कम सा पानी डालेंगे कि बिल्कुल सब आलू जो हैं वो हमारे गल जाएं। यस बस अब हमें इसको हल्की आंच पे देना है ये लीजिए। और इंशाल्लाह 10-15 मिनट में इंशाल्लाह ये डिश आउट होगी तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। बिल्कुल आप इसको फिर टेबल पे रख दीजिएगा। ठीक है एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हरी मिर्चें थोड़ी देर में डालनी है वो बिल्कुल बस हम इसके ऊपर ही डाल देंगे ताकि दम आ रहा है। डाल दो ताकि हमारी एंड हो जाए कि नाजिंग ये इस तरह रिप्रेजेंट होती है। और ये खूबसूरत देखें बिल्कुल हरी मिर्च आते नहीं है क्योंकि बहुत से लोग ज्यादा तीखा नहीं खा सकते। चलें जी अब इसको हम बिल्कुल बस डिश आउट और हल्की आंच कर बिल्कुल। वाह भाई वाह सही मजा आ रहा है अब लुक में। चलें जी थैंक यू सो मच राहिला एंड आप अब ये डिश रेडी होगी आप इसको डिस्प्ले कीजिएगा। ठीक है जी जी नाज़िम ये जाते जाते आप लोग कैमरे पे देखें और हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।